गुड इवनिंग एंड वेलकम टू भारत एट नाइन। दर्शकों, आज थोड़ी सी देर हो गई, उसके लिए माफी चाहूंगा सबसे पहले तो। लेकिन इस बीच एक बात बताता हूं आपको कि राजस्थान में बीते कई दिनों से एक मसला है जिसको लेकर भारत एट नाइन में हम लगातार फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे हम लोग इस घटना को लेकर बातचीत कर रहे हैं, उस मसले को लेकर बात कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। दर्शकों, उस मामले में दरअसल बड़ा घोलमोल। एक एग्जाम कराया जाता है रीट, इसको लेकर सब कुछ ठीक था, एग्जाम्स होते हैं, परीक्षा होती है, 16 लाख से ज्यादा लोग इसके लिए आवेदन करते हैं लाइक इन एनी अदर एग्जाम्स दे डू। उसके बाद बकायदा एग्जाम्स होते हैं, रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन इस बीच पता चलता है कि इस एग्जाम में घपला हुआ, इस एग्जाम में चीटिंग हुई, इसको लेकर सब लोग एक्टिव होते हैं, प्रशासन के लोग एक्टिव होते हैं, द गवर्नमेंट गेट्स एक्टिवेटेड, जांच कराई जाती है, तो पता लगता है कि ये तो बहुत लंबे तार हैं। जो शुरू हुआ था एक ब्लूटूथ डिवाइस पकड़े जाने से, धीरे धीरे पता लगता है, धीरे धीरे जब परतें खुलती हैं तब पता लगता है कि बड़ा मैटर है। और जब बड़े मैटर के पीछे पुलिस पहुंचती है, लोग जाते हैं, तो पता लगता है ये तो पूरा एक नेक्सस सिंडिकेट है। और इस सिंडिकेट में एक पत्रकार बिरादरी का व्यक्ति भी गिरफ्तार हुआ, वो भी इस पूरे नेक्सस में, इस क्रिमिनल माफिया गैंग में शामिल था, जिसके बाद विपक्ष सरकार पर दबाव बनाता है। सरकार कहती है कि जो लोग गलत हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन धीरे धीरे चीजें जब आगे बढ़ती हैं तब गिरफ्तारी तो इधर हो रही है, एसओजी भी गठित की गई, लेकिन भर्ती प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस, इसको कैंसिल कर दिया जाता है, इन अ सडननेस इसको कैंसिल किया जाता है। लेकिन इस कैंसिलेशन की वजह से बहुत सारे छात्र, बहुत सारे युवा, बहुत सारे हमारे परीक्षार्थी भाई बहन परेशान हैं, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से। और राजस्थान में द कांग्रेस रूल्ड राजस्थान, यहां पर बेटियां रो रही हैं, बेटे परेशान हैं, कह रहे हैं वर्षों की मेहनत पर यूं पानी फेर दिया गया, वर्षों की मेहनत यूं बर्बाद हो गई, और वर्षों की मेहनत को वापस कौन लाकर देगा। उनके कुछ सपने थे, जब वो जीते थे, जब उन्होंने परीक्षा को पास किया था तो घर पर एक खुशनुमा माहौल था, आगे के प्लान्स पर चर्चा की गई थी किसी भी आम मिडिल क्लास फैमिली की तरह। लेकिन यहां पर सपनों को एक सुबह ने तोड़ दिया। 8 फरवरी को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, अब इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करें, वी विल कैंसिल द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। और उससे कुछ दिनों पहले ही दरअसल मुख्यमंत्री साहब ने कहा था कि जो लोग दोषी हैं, जो लोग गलत हैं, उनको अरेस्ट किया जाएगा, बाकी जो आम छात्र हैं उनको परेशान नहीं किया जाएगा, आम जो परीक्षार्थी हैं उनको परेशान नहीं किया जाए इन एनी वे। लेकिन आज की करंट सिचुएशन ये है कि जो टॉपर्स, जिन्होंने टॉप किया है, वो सड़कों पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन अभी भी कोई सुध लेने के लिए तैयार है नहीं है, ना सरकार और ना ही विपक्ष। जो विपक्ष कल तक सरकार पर कथित रूप से आरोप लगा रहा था, उनके ऊपर दबाव बना रहा था, आज इन छात्रों की नहीं सुन रहा है। कहां है सीबीआई की जांच, क्या हुआ एसओजी की जांच में, ये कुछ भी क्लैरिफिकेशन नहीं है। ऐसे में आज मेरे साथ प्रतिष्ठा यादव जी कांग्रेस से पक्ष रखेंगी, और अशोक सिंह शेखावत साहब है बीजेपी से, और मेरे दूसरी तरफ बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एंड मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भारत एट नाइन में। और मेरे दूसरी तरफ मेरे साथ हमारे मनीष धुरिया भाई, और दूसरी तरफ रेखा पारिक जी भी मौजूद हैं। अशोक जी और प्रतिष्ठा जी, ये जो मेरे दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, ये लोग दरअसल वो लोग हैं जो L2 भर्ती को बहाल करने की मांग कर रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से हम बहुत हद तक परेशान हैं, लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं, सड़क पर भी आ रहे हैं। इन्होंने एक मेल भी किया है, एक लेटर भी लिखा है आप लोगों को, लेकिन आप तक प्रतिष्ठा जी वो पहुंचा या नहीं पहुंचा, आपकी सरकार तक पहुंचा या नहीं पहुंचा,
उसको भी दिखवाएंगे, उस लेटर को भी दिखवाएंगे कि उस लेटर में दरअसल क्या कुछ लिखा हुआ है। लेकिन आज मैं सवाल कम करूंगा और मनीष जी और रेखा पारिक जी सवाल ज्यादा करेंगी। सबसे पहले तो मैं आपका वर्जन जानना चाहूंगा, आपका टेक जानना चाहूंगा। प्रतिष्ठा जी आपसे शुरुआत करेंगे। प्रतिष्ठा जी ये जानना चाहेंगे कि अगर कोई परीक्षा कराने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, सरकार की जिम्मेदारी है, सरकारी एजेंसी काम करती है, परीक्षाएं करवाती है, परीक्षा होने के बाद उसमें इतना बड़ा गड़बड़ झाला कैसे हुआ, यह सवाल आपसे होना चाहिए। या आपकी नाकामी है, यह सवाल आपसे होना चाहिए। यह कैसे हो गया, यह सवाल आपसे होना चाहिए। लेकिन सवाल आजकल दरअसल थोड़ा और गंभीर है कि सब कुछ होने के बाद आज आपकी असफलता ये लोग क्यों सह रहे हैं, इनको क्यों सजा दी जा रही है, किस बात का पनिशमेंट इनको मिल रहा है। प्रतिष्ठा जी ये आपने मुझे बीजेपी से क्वेश्चन, आपने बार एक बात कही थी बहुत टाइम कीजिए आगे पर काम है, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए भी सोच रहा हूँ। प्रतिष्ठा जी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपका आवाज, आपकी जो आवाज है वो क्लियर नहीं आ पा रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। आपको आप हेडफोन लगा लीजिए, अगर आपके पास ईयरफोन या वगैरह कुछ भी हो तो आप वो लगा लीजिए, लेकिन हमारे साथ बने रहिएगा। दूसरी तरफ हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं, अशोक सिंह शेखावत जी हैं हमारे साथ, बीजेपी से हैं आप। सबसे पहले आपका भी सर वर्जन जानना चाहेंगे। लगातार ये जो मेरे साथ परीक्षार्थी जुड़े हुए हैं ये कह रहे हैं कि आपने दबाव बहुत बनाया, आपने अपनी राजनीति के कारण बहुत दबाव बनाया सरकार पर, और सरकार आपके दबाव के सामने झुक गई, भर्ती प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया। सर आपका दबाव किस लिए था, आपकी इंटेंशन क्या थी, उसको क्लियर करिएगा जरा। देखो कि मैं कह रहा हूँ जो प्रतिभा जी की तो आवाज नहीं आ पाई, लेकिन आप ये देखे फिर भी आवाज इको हो रही है आपकी, है ना, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मुझे साफ आ रही है, बोलिए। मैं ये कह रहा था कि यदि मान लो कि कोई भी एग्जाम कराएं भर्ती का, नहीं, स्क्रीन तीन पर सालों में आप देखें, तीन सालों में आप देखेंगे तो सरकार कांग्रेस की है, और कांग्रेस ने रीट की भर्ती के अंदर कम से कम भी 5 बार मतलब ये कैंसिल हुई किसी न किसी कारण से, प्रशासनिक कारण से और सरकार की नाकामी के कारण से, कुछ बार एक बार हाईकोर्ट के अंदर मामला गया और उसके बाद में ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई। और आप देखते हैं कि जैसे ही एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो उस एग्जाम स्टार्ट होने से 15 दिन पहले कांग्रेस क्या कहती थी कि क्या ऐसा हम इवेंट करवाएंगे, लोगों को मुक्त में उनको लाने का व्यवस्था करेंगे, और ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए कि हम बहुत ही पारदर्शिता से परीक्षा का करवाएंगे। उसके बाद जिस दिन परीक्षा होती है उस दिन नेटबंदी होती है, सारा काम होता है, पूरे प्रदेश के अंदर कई जिलों के अंदर नेट बंद था, और क्या हम पारदर्शी रूप में एकदम परीक्षा हो रही है, लेकिन उसी दिन पता पड़ गया था कि ये पेपर आउट हो चुका है। और जैसे जैसे आगे जांचें बढ़ती है, हम नहीं कह रहे हैं, जैसे जैसे जांच बढ़ती है, किसकी जांच, लोगों के द्वारा जांच बढ़ती है, सरकार ने तो कुछ किया ही नहीं है, और कई चीजें फैक्ट्स रूप में आती हैं सरकार के पास में, तो जैसे ही मंत्री लोग ने, मुख्यमंत्री जी ने तो मना ही कर दिया कि कुछ हुआ ही नहीं है, और इनके पीसीसी जो अध्यक्ष हैं वर्तमान के, उसमें शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जो बोल रहा है उसको अंदर कर दो, ठीक है। जैसे जैसे चलती गई कड़ी आती गई है, और पब्लिक डोमेन में ऐसी ऐसी चीजें आने लगा कि पेपर आउट हुआ है, 2 दिन पहले बाहर आ चुका है, और ऐसी एसओजी की जांच दी गई, लोकल थानों में एफआईआर दर्ज हुई, स्वयं माधोपुर में हो चाहे अलवर में हो, और कुछ थानों के अंदर हो भी दर्ज हुई, एसओजी आती है, एसओजी संगठन और उसमें इन्वेस्टिगेशन अपना स्टार्ट करना शुरू कर देती है। उसके बाद में जैसे ही होता है ऐसी ऐसी कड़ियां आती है कि किस प्रकार से ये है पेपर है एसओजी के द्वारा, ऐसी इन्वेस्टिगेशन आती है कि ये पेपर जो है जो कि तिजोरी में से निकाला गया, जो शिक्षा विभाग शिक्षा संकुल है, और इन्हीं के कांग्रेस के बड़े बड़े जो जिसमें जुड़े हुए राजीव गांधी स्टडी सर्किल के अंदर जुड़े हुए हैं लोग है, उसका इन्वॉल्वमेंट है। आप बताइए इतनी चीज होने के बाद में, और जैसे हम तो सीबीआई की तो जांच मांग कर रहे थे, बड़े बड़े लोगों को आपने अरेस्ट करके अंदर डाल दिया है, और आपके इसके अंदर मंत्री शामिल हैं, कुछ आपके पदाधिकारी भी बड़े बड़े शामिल हैं। ठीक है सर, तो कांग्रेस पर ठीक है, ठीक है। अशोक सिंह जी, कांग्रेस पर आपने तमाम आरोप लगा लिए, उनकी नाकामी उनकी गलती साफ दिखाई दे रही है, पूरी परीक्षा ही जब रद्द करनी पड़ी, भर्ती प्रक्रिया ही रद्द करनी पड़ी है, तो सब साफ है कि वो लोग यहाँ पर नाकाम हुए। ये लोग जो परेशान हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जो आप ही के लोग हैं, परीक्षार्थी हैं, जो
ये लोग जो परेशान है इनका आपको दुख दर्द नहीं समझ में आ रहा है सर? इनके लिए आप नहीं बोल रहे हैं? विपक्ष का काम है हर किसी के लिए बोलना, आप इनके लिए क्यों नहीं बोल रहे सर? मैंने कहा कि जैसे का जिन लोगों के ज्यादा नंबर आए वो वास्तव में पीड़ित है, उन्होंने मेहनत करी है और हर एग्जाम की मेहनत वास्तव तीन तीन चार बिल्कुल एग्जैक्टली, और ये लोग सड़कों पर हैं, लेकिन इनके साथ कोई भी बीजेपी का मैंने नहीं देखा कि कोई भी बीजेपी का नेता या बीजेपी का व्यक्ति इनसे आवाज बुलंद कर रहा है। ठीक है बिल्कुल अशोक जी, मैं आपके पास आऊंगा अशोक जी, वापस आऊंगा, लेकिन प्रतिष्ठा जी हमारे साथ एक बार फिर है। प्रतिष्ठा जी ठीक है, प्रतिष्ठा जी का ऑडियो नहीं है, इनको फोन पर भी लीजिए, फोन पर आप प्रतिष्ठा जी आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक फोन आएगा, आप उस फोन के जरिए भी हमारे साथ जुड़िए, आपका ऑडियो नहीं आ रहा इसलिए वीडियो में आप रहिए दूसरे फोन के जरिए आप। एक सेकंड, मैं ये फोन लगा जी। हो गया प्रतिष्ठा जी? ठीक है, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि प्रतिष्ठा जी को फोनों पर जोड़िए इनको, वीडियो पर रखिए लेकिन फोनों पर भी जोड़िए, आपकी आवाज अभी भी नहीं आ रही है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। अब मैं सीधे मनीष जी के पास चलूंगा, मनीष धुरिया साहब हमारे साथ हैं। मनीष साहब अब फ्लोर आपका है, आपको जो सवाल करने हो अब फ्लोर आपका है, ओवर टू यू सर। मैं नहीं बोलूंगा, आपका जो सवाल हो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, आपके नेता आपके सामने हैं। बीजेपी से हमारे साथ अशोक सिंह शेखावत साहब हैं और प्रतिष्ठा जी हैं जिनका ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है लेकिन जल्दी ठीक करा लिया जाएगा। तो आपके जो सवाल हो, प्रवक्ता हैं ये पार्टियों के, आप इनसे बात कर सकते हैं। सर अशोक जी नमस्कार, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य ये कहते हैं कि हमने विपक्ष के दबाव में ये भर्ती कैंसिल की, ठीक है, दो दिन पहले हमने ट्वीट देखा है कि बीजेपी की तरफ से ये बयान है कि हमने नहीं चाहा कि ये भर्ती रद्द हो। यदि आप बीजेपी ये कहती है भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए तो आप एक बार या आपके मंत्रिमंडल के सदस्य ये चीज बोले, हम रीट L2 को बहाल करने के लिए उसके पक्ष में हैं, फिर हमारे सामने सिर्फ कांग्रेस रह जाएगी। आज हम दुविधा में हैं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ये देखो, इसको भर्ती को रद्द करना एक सोल्यूशन नहीं था, ये आप लोगों के कहने से ही ये भर्ती रद्द हुई है। यदि आप इस पक्ष में है कि भर्ती बहाल होनी चाहिए तो आप लोग और आपके लीडर आए आज जयपुर में शहीद स्मारक पे, लीजिए हमें हमारा पक्ष लीजिए। ठीक है अशोक जी को सुन लेते हैं, इसकी और भी सोल्यूशन बहुत थे। ठीक है अशोक जी जवाब दीजिएगा सर। देखो कि लोकतांत्रिक रूप में सभी को अपना अधिकार है तो अपनी बात रखने का, जैसे मनीष जी ने अपनी बात रखी है इसी प्रकार से आप देखेंगे कि पहली बार तो हमने बीजेपी ने मांग ही नहीं की थी कि L2 या L1 वो किसी प्रकार का रद्द हो। हमारे दो बार प्रदेश अध्यक्ष जी माननीय सतीश जी पूनिया जी के द्वारा मांग की गई है, वो लेटर लिखा गया है, वो सीबीआई जांच की गई है, लेकिन जैसे तथ्य सरकार के पास आते हैं और सरकार उस तथ्य के आधार पर ये कह रही है कि हम इस परीक्षा को रद्द करते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, ये चीजें यदि इन्वॉल्वमेंट की बात आती तो सरकार के पक्ष में उनको क्या करना है क्योंकि वो इवेंट करने वाली सरकार थी। इन्होंने दूसरा इन्होंने क्वेश्चन ये कहा कि विपक्ष से अभी हमारा साथ क्यों नहीं दे रहा। आप ये देखिए कि छात्रों की चाहे दो गुट की आप मान लीजिए लार्ज ग्रुप के अंदर कई छात्र हैं, लाखों छात्र हैं, उनके साथ करोड़ों पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि साहब इस एग्जाम में कुछ ना कुछ न्याय हो। अब वो ये कर रहे हैं साहब इसमें रद्द भी होनी चाहिए है, और हमने तो ये कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, बड़े बड़े लोग लिप्त हैं, अब चाहे उसमें कितने ही लोग हों, चाहे उसमें हजारों की संख्या में छात्र हों या और भी लोग हों, जैसे परीक्षार्थी के अलावा और भी लोग उनकी इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों को अंदर डालना चाहिए।
मैं कह रहा हूं न्याय दिखना चाहिए, और सरकार जो कर रही है आपको उन पर विश्वास करना नहीं करना वो आपका जो है। हम विपक्ष में है, विपक्ष में हर चीज की जवाब उठाया जाता है, और आप देखिए ये नहीं संशय नहीं है, 15 के लगभग एग्जाम राजस्थान के अंदर ही कैंसिल किसी न किसी कारण से हो रहे हैं। तो सरकार पर आपको प्रश्न चिन्ह लगाना चाहिए क्योंकि आपने ऐसा इवेंट क्यों कराया सरकार ने, और उस इवेंट का ही कारण है जो छात्र तैयारी कर रहे थे उनके सपनों को तोड़ने का काम कुछ नहीं किया, सरकार ने काम किया, विपक्ष ने काम नहीं किया। विपक्ष से इतना ही होता। सर आप लोग एग्री हैं इस बात से कि हम भाल करने के लिए एग्री हैं, तो आप लोग शहीद मार्ग में सारे हमारे साथ आइए, हमारा सहयोग कीजिए। नहीं देखो मैं कह रहा हूँ छात्र संघ के अंदर मांग उठाना और परीक्षार्थियों को मांग उठाना। नहीं सर नहीं, देखो कांग्रेस पार्टी एक बात बोलती है कि विपक्ष के दबाव में, विपक्ष ओनली फॉर बीजेपी, बीजेपी एग्री करती है, हम भाल कराने के लिए एग्री हैं L2 को, तो आप लोग हमारे साथ आइए ना। देखो कि मैं कह रहा हूँ लोकतांत्रिक रूप में आप अपने अधिकारों को आप चर्चा कीजिए, लेकिन हम आपके बच्चे नहीं है क्या, हम आपके बच्चे नहीं है क्या, आप सुनो तो सुनो, आपको मतलब धैर्य से सुनिए बात। मनीष जी सुन लीजिए, फिर मैं प्रतिष्ठा जी के पास चलूंगा। हाँ, आपकी मांग हो सकती है, आपको लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो आप सरकार से पुरजोर की मांग कीजिए, आप विपक्ष से भी करें हम साथ देंगे, हम कौन मना कर दीजिए ना सर। देखो सर, आज 5-6 दिन हो गए मैं बैठे हूं, आपका एक भी लीडर आया जयपुर में? मनीष जी, एक मिनट आपको रुकना चाहूंगा। अशोक जी आगे भी बढ़ना होगा। अशोक जी ये बताइए मुझको, ये कह रहे हैं कि अगर हम डिमांड कर रहे हैं, हमको लग रहा है हमारे लिए साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसमें आप हमारे साथ हैं हाँ या ना, सीधे टू बी स्ट्रेट? देखो मैं कह रहा हूँ गलत किसके साथ हुआ या नहीं हुआ, हम कह रहे हैं सरकार के बड़े बड़े लोग शामिल हैं, और उन लोगों को बचाने का काम हम कैसे करेंगे, हम चाहते हैं वो अंदर जाएं जेलों के अंदर, सलाखों के पीछे जाएं। ठीक, आप अगेंस्ट में हमारे साथ आइए, आप उनके अगेंस्ट में हैं, दैट इज ओके, आप उनके अगेंस्ट में हैं, ओके, सलाखों के पीछे ले जाइए। एक सेकंड, रेखा जी आपके पास आऊंगा, लेकिन हमें मत गलती दीजिए। बिल्कुल ऐसी एविडेंस ये आ रही है। ठीक है ठीक है, सबके पास आएंगे। प्रतिष्ठा जी ठीक है, सरकार इन्वॉल्वमेंट है यहाँ, सरकार जाने के लिए लग रही है। ठीक है, प्रतिष्ठा जी भी हमारे साथ है, प्रतिष्ठा जी का वर्जन ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, प्रतिष्ठा जी का ही वर्जन ले लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठा जी, प्रतिष्ठा जी एक बार फिर रिपीट कर देता हूं आपके सामने, रीट एक एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें बड़ा गड़बड़ झाला हुआ, ब्लूटूथ पकड़ा गया धीरे धीरे, उसमें तो आपकी एजेंसी भी कहीं ना कहीं आप लोग सही से करा नहीं पाए, नाकाम रहे, असफल रहे, आपकी गलती। आपको नैतिकता के आधार पर अगर मैं बात करूं तो आपको इस्तीफा देना चाहिए, आपकी सरकार को दे देना चाहिए था कि इतने सारे छात्रों की इतनी बड़ी मेहनत आप सही से नहीं करा पाए, तो फिर मैडम क्वेश्चन पूरा जो नहीं दिया। उसके बाद अब जब परीक्षा में इतना बड़ा गड़बड़ झाला मिला, तो आपने भर्ती प्रक्रिया को ही पूरी तरीके से खत्म कर दिया, आपने भर्तियों को रद्द कर दिया, तो जिन लोगों ने सच में मेहनत करी, जो लोग सच में दिन रात मेहनत करके एग्जाम में गए, परीक्षा में गए, जिन्होंने पास किया उसको, उनकी गलती क्या है? देखिए उनकी कोई गलती नहीं है, वो बीजेपी की राजनीति का शिकार बन गए, वो कुछ नहीं है, ये लोग डबल स्टैंडर्ड है, इनका जो व्यू है वो डबल है। इन्होंने आपने भी देखा, और इन मेरे जो भाई बहन यहाँ बैठे हैं और जो मुझे सुन भी रहे हैं, उन सबने भी देखा कि ये लोग केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किस हद तक चले गए। हम बार बार गहलोत साहब ने एक बात कही कि भर्ती रद्द करना 2 मिनट की प्रक्रिया कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन इन बच्चों के भी सोचे जिन्होंने मेहनत करके अपनी मंजिल पाई है, और उसके ऊपर सरकार पूर्ण रूप से सरकार का फोकस था, क्योंकि जो लोग करप्ट थे इस मामले में वो तमाम एसओजी ने पकड़े, और एसओजी की कार्रवाई, शेखावत जी बोल रहे थे कि ये इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, आपने भी देखा और सबने, पूरे राज्य ने देखा, पूरे राज्य ने क्या, पूरे देश ने देखा कि सरकार खुद आगे आकर धरपकड़ शुरू की, क्योंकि सरकार की मंशा थी कि जो इस तरह के लोग अनप गए हैं इन पर अंकुश लगे, और जो युवा जो मेहनत करते हैं उनको उनका हक मिले, ये सरकार की मंशा थी, और इसलिए सरकार ने खुद पकड़ा। खुद सरकार ने एसओजी को मामला दिया, एसओजी ने बहुत सारे खुलासे, भर्ती प्रक्रिया रद्द क्यों की मैम? मैम टू बी स्ट्रेट, भर्ती प्रक्रिया रद्द क्यों करी, भर्ती प्रक्रिया रद्द क्यों किया? देखिए बीजेपी ने दबाव बनाया और उन बच्चों, बीजेपी ने दबाव बनाया, आप इतनी कमजोर सरकार है। ठीक है मैडम, मैडम मैडम अशोक जी ने भी क्या कहा, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, आपने नहीं देखा, अब बीजेपी को आप एक साइड में कर दीजिए। ठीक है मनीष जी रेखा जी भी हमारे साथ है, रेखा जी चलिए ठीक है, रेखा जी आप करिएगा सवाल करिएगा।
लेकिन प्रतिष्ठा जी जो है वो नेट की वजह से, कुछ नेट कनेक्टिविटी की वजह से चली गई हैं। अब रेखा पारिक जी, आप जी आवाज आ रही है आपकी, फोन पर कनेक्ट हूँ। अच्छा अच्छा मैम, फोन पर कनेक्ट है, वीडियो जरूर चला गया लेकिन फोन पर है। रेखा पारिक जी, मैम रेखा पारिक जी एक परीक्षार्थी हैं जिन्होंने एग्जाम दिया था, पास हुई थी, वो आपसे कुछ सवाल करना चाहती है मैम। जी 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 हेलो जी रेखा जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हेलो जी जी बोलिए आप। बोलो रेखा, बोलो। सर मेरा कहना यह है कि एक तरफ प्रतीक्षा जी बोल रही हैं कि बीजेपी के दबाव में हमने भर्ती रद्द की है, उधर बीजेपी के प्रवक्ता अशोक जी बोल रहे हैं कि हमने कोई दबाव ही नहीं क्रिएट किया था, हमने तो सिर्फ सीबीआई की मांग की थी। हेलो सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आप सुनिए, प्रतीष्ठा जी जवाब दे रही है आपको। जी तो इधर एक तरफ प्रतीक्षा जी का कहना है कि बीजेपी के दबाव में रद्द की थी, एक तरफ अशोक जी का कहना है कि हमने भर्ती रद्द करने के लिए दबाव नहीं बनाया था, तो इनमें से एक ही तो चीज एक बार में सत्य हो सकती है, क्या एक साथ दोनों चीजें सत्य हो सकती हैं? एक तरफ इनका कहना है कि दबाव बनाया है, प्रतिष्ठा जी जवाब देंगी और विंडो को ठीक करेंगे। प्रतिष्ठा जी जवाब देंगी, विंडो को ठीक करेंगे। प्रतिष्ठा जी जवाब देंगी। जी जी प्रतिष्ठा जी, बहुत गंदा है, किसी को आवाज भी नहीं आ रही है, आवाज समझ नहीं आ रही। एक सेकंड अशोक जी जवाब देंगे, बिल्कुल अशोक जी जवाब देंगे, बिल्कुल अशोक जी जवाब देंगे, बिल्कुल अशोक जी जवाब देंगे। एक सेकंड मैम प्रतिष्ठा जी जब से हम कार्यक्रम में हैं, आप कह रही हैं कि परीक्षाओं को रद्द करना पड़ा बीजेपी की वजह से, परीक्षाओं को रद्द किया हमने बीजेपी के दबाव में, सब कुछ हुआ बीजेपी की वजह से, बीजेपी अगर ऐसा ना करती तो वैसा ना होता। मैं अशोक जी से बिल्कुल सवाल करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और बिल्कुल क्लियर होकर आप बताइए कि वहां पर गवर्नमेंट जो है, मुझको क्लियर करिए, गवर्नमेंट कांग्रेस की है या फिर बीजेपी की है? और अगर आप गवर्नमेंट में है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो आप इतने कमजोर हैं कि बीजेपी आप पर दबाव बनाती है और आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, आप इतने कमजोर हैं कि बीजेपी आपसे दबाव बनाती है और आप अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, कल को बीजेपी आप पर दबाव बनाकर कुछ भी करा सकती है। मतलब गवर्नमेंट को बैकडोर से बीजेपी चला रही है या फिर डायरेक्ट फ्रंट से आप चला रही है? डायरेक्ट क्वेश्चन है मैम, पहले इसका जवाब दीजिए। बीजेपी गवर्नमेंट को चला रही है बैकडोर से या आप गवर्नमेंट चला रही है? सुनिए सुनिए, ये माहौल केवल इनसे नहीं, उन बच्चों ने भी शामिल हुए और इससे आप पत्रकार और पूरा मीडिया भी इसमें था कि उनका कहना है कि बीजेपी ने दबाव बनाया, उनका कहना है बीजेपी ने दबाव बनाया और आपने भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया। आप मुझको ये बताइए कि बीजेपी के दबाव बनाने के चलते अगर आपने भर्ती प्रक्रिया को रद्द किया है तो गवर्नमेंट आप चला रही है? अरे मैडम एक सेकंड
के लिए कह रहे हैं, उनसे मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ। हेरो साहब का कहना था कि जो उन बच्चों के बारे में मैं सोच रहा हूँ, पेपर कैंसिल करने में कोई टाइम नहीं लगता, लेकिन सरकार संवेदनशील है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अपनी मेहनत। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अशोक जी मैं आप पर आऊंगा, अशोक जी आप पर आऊंगा। और रेखा जी अगर आप सुन पा रही होंगी, कनेक्शन की वजह से आपका कनेक्शन थोड़ा सा वीक है, आप सुन पा रही होंगी, एक चीज कहूंगा, अशोक जी आप भी सुनिएगा, मनीष साहब आप भी सुनिएगा। प्रतिष्ठा जी ने अभी एक बात कही जो कि मुझको थोड़ी सी अटपटी लगी। प्रतिष्ठा जी ने कहा कि आप इस चीज को समझिए कि जो लोग पास हुए उनकी संख्या कम थी और जो लोग परीक्षाओं को नहीं निकाल पाए उनकी संख्या ज्यादा थी, तो उनको भी सुनना ज्यादा जरूरी था। प्रतिष्ठा जी अगर आपकी जगह मैं होता तो मैं ये देखता कि जिन लोग लिप्त थे गलत एक्टिविटीज में, जिन लोगों ने चीटिंग की, जिन लोगों ने वहां पर पेपर को लीक करवाया, जो लोग गलत एक्टिविटीज में थे, मैं ये देखता कि उनकी संख्या इनसे भी कम थी और उनको पकड़ना जरूरी था, उन्हीं को पकड़ना था और कुछ नहीं करना था, एक एक को चुन चुन कर पकड़ना था। आप असफल रहे, आप फेल रहे किस चीज में, परीक्षाओं को फेयरफुली कंडक्ट कराने में। अगर आप नहीं करा पाए गलती मानिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप अपनी एजेंसीज का इस्तेमाल करिए, जो लोग इसमें लिप्त थे उनको पकड़िए, ना कि आप क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं मैम, क्या स्टेटमेंट दे रही हैं आप कि उनकी संख्या कम थी, उनकी संख्या ज्यादा थी, इसलिए ये हमको फैसला लेना पड़ा। अब सीधे चलेंगे अशोक सिंह के पास और फिर मनीष जी के पास चलेंगे और रेखा जी के पास चलेंगे। अशोक सिंह साहब, आप इस बात को एक्सेप्ट करिए कि कहीं ना कहीं इन परीक्षार्थियों के बीच, इन युवाओं के बीच एक मैसेज जा चुका है कि आपने अगर सर दबाव ना बनाया होता तो इनकी भर्ती प्रक्रिया रद्द नहीं होती। देखो मैं कह रहा हूं कि ये मैंने आपको पहले भी कहा कि हमने सीबीआई जांच के लिए मांग की थी, और आपको खुद को लगता है कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा स्कैम में राजस्थान के अंदर कई सालों बाद में ऐसा स्कैम का पेपर लीक नहीं हुआ, ये चोरी हुआ है और चोरी होकर तिजोरी से बाहर गया। अब बताओ इस मैटर के अंदर भाजपा यदि विपक्ष का धर्म नहीं निभाए तो बताइए तो सरकार क्या कर सकती है, कितने कितने घोटाले कर रही है। ठीक है ठीक है, प्रतिष्ठा जी आपके पास आऊंगा। आपने कहा विपक्ष का धर्म ना निभाए, सर आपने एक प्रक्रिया थी उसमें कुछ गड़बड़ियां थी, आपने उसको पॉइंट आउट किया, सरकार को बताया कि इसमें जांच कराइए सीबीआई की, ओके एक्सेप्टेड है सर। दूसरी चीज, उसमें जो लोग पीड़ित हैं वो लोग अपनी बात रख रहे हैं, आप उनका साथ नहीं दे रहे हैं, ये विपक्ष की भूमिका नहीं है क्या? देखो मैं कह रहा हूँ, आपने जो वाजिब क्वेश्चन पूछा है ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि यदि आप देखिए कि सरकार के ऊपर पाले पर है ये क्या कौन सा स्टेप उठाए, वो तो सीधे बोल रही है कि बैकडोर से, उनके सेंटेंसेस से तो ये लग रहा है कि बैकडोर से आप चला रहे हैं उनको। नहीं नहीं हाँ, ये देखो बात तो सही है कि ये तो हर चीज में कमियां काटते हैं, क्या तो केंद्र सरकार में बच जाएंगे और केंद्र सरकार का नहीं आएगा तो विपक्ष में आ जाएंगे। अब इन्होंने कहा कि आरपीएससी के गौरान साहब कौन थे, आरपीएससी में गौरान पिछली गवर्नमेंट में किसने नियुक्त किया था, कांग्रेस ने नियुक्त किया था और इस्तीफा देके भगना पड़ा ना, क्यों? कि आप ऐसे लोगों की नियुक्ति करती हो, आपके पीसीसी अध्यक्ष के रिश्तेदारों को आप आरपीएससी के चयन कराते हो और ऊपर से आप सीना चोरी चोरी करते हो, सीना चोरी और करते हो और हर चीज के अंदर जनता को चीसने का काम कर रहे हो। आज विद्यार्थियों के साथ आप न्याय नहीं कर पा रहे हो और उसमें कह रहे हैं कि साहब विपक्ष के दबाव के अंदर हमने कर दिया, आप तो दबाव करते तो आप हमारा सीबीआई जांच में भेज दीजिए। मतलब भर्ती रद्द करवाने का, भर्ती रद्द करवाने का आपने कभी दबाव नहीं डाला, भर्ती रद्द करवाने का रद्द नहीं डाला, नहीं डाला, कभी नहीं डाला, नहीं डाला, तो आप इसके अगेंस्ट हैं, भर्ती जो रद्द हुई उसके अगेंस्ट हैं आप? मैंने क्या कहा आपको, ये सरकार को करना है या नहीं है ये स्टेटमेंट हम नहीं दे सकते। भर्ती रद्द के अगेंस्ट है सरकार का, नहीं करना, आपने दबाव नहीं डाला, इसका मतलब ये है कि आप अगेंस्ट में, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। आप देखो मैंने एक बार कहा कि आपको हमने सीबीआई जांच के लिए मांग की थी, अब ये बार बार में रद्द करने के बाद में कह रहे हैं कि विपक्ष ने दबाव बनाया कि ये रद्द कर दिए, हमने नहीं बनाया, हम इस बारे में ठीक है, सीबीआई में दिया पानी का पानी, दूध का दूध हो जाएगा। ठीक है ठीक है, राजस्थान की एक बेटी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, रेखा बारिक जी हमारे साथ है। रेखा जी यहाँ पर अशोक सिंह जी है, अशोक जी तो सीधे कह रहे हैं कि हमने दबाव बनाया था कि सीबीआई जांच कराई है, हमने कभी ये दबाव नहीं बनाया, ये सरकार झूठ बोल रही है कि भर्तियों को रद्द करिए, ऐसा हमने कभी दबाव नहीं बनाया। दूसरी तरफ प्रतिष्ठा जी हैं जो सरकार की ओर से हैं,
वो कह रही हैं कि दबाव बनाया बीजेपी ने, हम तो रद्द कभी करते ही नहीं, दबाव बना दिया। जी जी सर, बीजेपी सरकार दोनों हाथों में लड्डू रख रही है, क्योंकि एक तरफ तो वो ये कह रहे हैं कि हमने दबाव नहीं बनाया, वहीं कहीं ना कहीं देखिए अशोक जी इस बात को स्वीकार आज भी नहीं कर रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी। यदि उन्होंने दबाव नहीं बनाया तो उन्हें कहना चाहिए कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए थी। भाई उन्होंने जांच की मांग की, वो कह रहे हैं जांच की मांग की थी, तो जांच की मांग के लिए अभ्यर्थियों ने कहां मना किया था कि करवाइए आप जांच, करवाइए आप दोषियों को पकड़िए, आप जो मर्जी जांच करवाइए। यदि वो भर्ती रद्द नहीं करवाने की मांग कर रहे थे तो क्यों सतीश जी पूनिया चिल्ला रहे थे रैलियों में कि रीट को रद्द कीजिए रद्द कीजिए, क्यों अपना टांग तुड़वा के बैठे थे इसी बात के लिए कि भर्ती रद्द। अरे वो तो आज भी कार रुके कह रहे हैं लेवल टू और रद्द कीजिए, वो सॉरी लेवल वन और रद्द कीजिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हमारी मांग नहीं थी भर्ती रद्द करवाने की, तो दोनों चीजें एक साथ नहीं चलती सर, या तो दो और दो चार ही होंगे या दो और दो पांच ही होंगे। वो एक तरफ कह रहे हैं कि भर्ती रद्द करवाने का हमने नहीं कहा था, वहीं दूसरी ओर वो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं कहीं भी कि हाँ हम भर्ती को बहाल चाहते हैं। यदि एक बार में सर एक ही काम हो सकता है, या तो भर्ती रद्द चाहते हैं या भर्ती बहाल चाहते हैं। वो कह रहे हैं भर्ती रद्द हमारी मांग नहीं थी, तो आज उन्हें ये मांग उठानी चाहिए कि भर्ती बहाल और दोषियों की जांच हो, दोषियों को पकड़ा जाए, चाहे वो कोई अधिकारी हो चाहे वो अभ्यर्थी हो, उनको सजा देनी चाहिए। ठीक है पुरिया साहब, तो सर वो दोगलापन दिखाई दे रहा है इसमें, बीजेपी का दोगलापन दिखाई दे रहा है। ठीक है, नहीं नहीं थोड़ा सा शब्दों की मर्यादा रखेंगे, एक एक करके सवाल करेंगे। अशोक जी, सतीश पुनिया साहब जो कह रहे हैं वो स्टेटमेंट क्या है? देखो मैं कह रहा हूँ कि हमने दो ड्राफ्ट तैयार किए थे और उसके बाद में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी भी नेता ने नहीं दिया, आपका बड़े लीडर ने किसी ने नहीं दिया है कि इस प्रकार का खेज है। हम कह रहे हैं कि जिन्होंने चोरी करी है, जो सरकार के लोग लिप्त हैं, उन लोगों को के खिलाफ ये एसओजी जांच नहीं कर सकती, ये सीबीआई जांच करेगी। और इन विद्यार्थियों को भी पता है कि किन किन लोगों को कहां कहां पेपर लेके गए। ऐसा नहीं है, 500 करोड़ का स्कीम है ये, इस स्कैम की इस आड़ के अंदर मैं कह रहा हूँ कि बचाने की कोशिश नहीं करें, इन सरकार के बड़े बड़े लोग लिप्त हैं, उनको सलाखों के पीछे जाने दीजिए, सीबीआई की जांच आएगी तो सब पीछे जाएंगे। यदि आप इनको मनोबल बढ़ाने का काम करोगे, सरकार तो बार बार में विपक्ष को सवाल उठाएगी, सरकार कि साहब विपक्ष दबाव बना रहा है इसकी रद्द के लिए हमने नहीं कहा, हमने कहा सीबीआई जांच के लिए। और सतीश जी पूनिया जी की जो टांगों के यदि उनके पैरों में चोट आती है, और आज देखिए कितनी तकलीफ है, लेकिन किसके लिए लड़ा कि इनके न्याय के लिए लड़ा कि इनको जो उन्होंने जिन सरकार के जो लिप्त हैं उनको सीबीआई जांच भेज दीजिए, ये लोग सलाखों के पीछे होंगे, न्याय के लिए लड़ाई लड़ी है उन्होंने। ऐसा कोई भी नहीं जाता कि जाके देखिए जो छात्र लड़ खाते हैं वैसे ही ये छात्र सिंह के लिए लोगों के लिए आज हमारे अध्यक्ष वहां पर गए थे। ठीक है सर। रेखा जी, आप प्रतिष्ठा जी से सवाल कर सकती हैं, वो भी लगातार हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल आपके पास आ रहा हूं मनीष साहब, लेकिन अशोक जी एक और चीज़ जी सर जी जी सर मैं प्रतिष्ठा जी से सवाल कर रही हूं। प्रतिष्ठा जी ये कह रही हैं कि हमने विपक्ष के दबाव में भर्ती रद्द की थी, तो मैं उनसे ये सवाल कर रही हूँ, क्या ये सरकार जो हमने अभी चुन के सत्ता में ला रखी है कांग्रेस की सरकार, वो विवेक शून्य सरकार है? उनको उनका रिमोट कहीं और है, यानी उनको विवेक बुद्धि कोई और प्रदान करता है जो उनको चलाए, यानी वो दबाव में कुछ भी कर सकते हैं? कल यदि उनसे दबाव में किसी का मर्डर करवाया जाए तो वो भी कर सकते हैं क्या वो? प्रतिष्ठा जी उठा के देखिए, अगर ऐसे चाहिए तो आप मुझे
मैडम मैं न्यूज में, मुझे तो सब कुछ पता है, मुझे तो ये भी पता है कि 6 तारीख को गहलोत साहब क्या कह रहे थे, 8 तारीख को गहलोत साहब क्या कह रहे थे, मुझे सब कुछ पता है। वो चीज छोड़िए, आखिरी समय है, आखिरी समय में मनीष साहब, अशोक जी एक मिनट आपके पास सवाल कर लीजिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा सर आपसे, इस न्यूज चैनल के माध्यम से आप ये शब्द बोले कि हमने भर्ती L2 को रद्द करने के लिए नहीं कहा, अब हम इसको बहाल चाहते हैं, फिर बीजेपी का इसमें कोई रोल नहीं रहेगा सर, फिर सिर्फ हमारे सामने कांग्रेस और स्टूडेंट टेबल टू टेबल बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, कांग्रेस पार्टी के सारे मंत्री आ जाएं इकट्ठे, हम 15 टॉप पर आ जाएंगे सामने, और न्यूज चैनल मीडिया होगा हमारे साथ। देखोगे, देखो लोकतांत्रिक रूप से, जैसे आप भी छात्र संघ से आए और आप भी परीक्षार्थी रूप से आए, हम भी आपके जीवन के अंदर हमारे भी ऐसा ही चीज आया हुआ है, तो आप मुझे लगता लेकिन है सर, ऐसी, सर, लेकिन सर ऐसी चीज नहीं होगी, आपने तो जीतते जी मार दिया हमको, अधमरा कर दिया सरकारों ने, दोनों ने हमको। एक एक सवाल करेंगे, ठीक है, देखो कि इस प्रकार से याद है, आप डिबेट करवाओगे? नहीं मैं करवा रहा हूँ, मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ आपकी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। नो नहीं, मनीष जी का जो सवाल है, बोलिए सरकार, नहीं देखो सरकार किसकी है, पर्सन चिन्ह उनको लगाना, आज सारे जितने भी आपको ये लगता है, सरकार को ये लगता है कि इसके अंदर हजारों की संख्या में लोग लिप्त हैं, तो सरकार उसकी सूची बता दे, इसका हल हो जाएगा, कितने लोगों के पास ये पेपर आ चुका था, तो आप उसका न्याय कर देंगे कि वास्तव में किस प्रकार से इन लोगों ने एग्जाम कंडक्ट करवाया है, तो इस चीज का ये नहीं हो सकता कि आप हमारे साथ आ जाओ, आप ये चीज के करके आ जाओ, जो न्याय संगत होगा उसकी हम बात करेंगे आपके साथ में, यदि न्याय आपके साथ हुआ तो सरकार को करना है, सरकार उनकी बीजेपी की सरकार नहीं है, बीजेपी की आपके नहीं सर, देखो आप रीट भर्ती रद्द कराने में बीजेपी ने भी कहा, किरोड़ी लाल जी मीणा भी आए, मैं कह रहा हूँ उन्होंने तो इतना तक कह दिया, 123,000 बच्चों के 140 प्लस नंबर, तो जारी कहाँ है वो बच्चे का है, हमारी सरकार नहीं है ना आज, मनीष जी सरकार नहीं, लेकिन आप ये बात तो बोल सकते हैं ना, आप ये बात बोल सकते हैं, मनीष जी प्रतिष्ठा जी भी हमारे साथ है, प्रतिष्ठा जी से आपको कोई सवाल करना हो, आखिरी समय है, हाँ मैं करना चाहता हूँ, बोलिए सर, बोलिए, एक सेकंड अशोक जी जवाब दे रहे, फिर मनीष प्रतिष्ठा जी से सवाल लीजिएगा। देखो कि देखिए, यदि आपने मान लो सही अच्छी डिबेट करके, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ, यदि इसी डिबेट के अंदर आज ऐसे परीक्षार्थी हैं जो कैंसिल कराने के लिए भी आ रहे हैं, सर उनके नंबर ही नहीं है, कुछ कह रहे हैं साहब, उनके कह रहे हैं, तो वो मैं कह रहा हूँ हर चीज का होता है, आप भी यदि डिबेट में आप कराओगे तो आपको भी लगेगा किस कौन सा पलड़ा भारी है, कौन सा क्या न्याय करेगी सरकार, न्याय करेगी ये, आप विपक्ष को खड़े करें, हम तो ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष सरकार पूरी लिप्त है इसकी, इस एग्जाम के अंदर सरकार गिर जाएगी यदि सीबीआई की जांच भेज दी जाएगी तो, लेकिन सरकार बचाने का पूरा प्रयास कर रही है सीबीआई जांच नहीं करके, लोग आज लोगों के पास में पता है 18 लाख के अंदर पेपर बिका है, आज हर गांव के अंदर ये चर्चा हो रही है, एविडेंस आ रही है, उसके बाद में भी आप कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं कर रही है, मूक दर्शक है, उसमें राजनीति कर रही है, ठीक है मनीष जी, हम भी कह रहे हैं उस पर, ठीक है सर, मैं मिल गया आपका स्टेटमेंट मिल गया, मनीष जी प्रतिष्ठा जी से आपका कोई सवाल हो तो करिएगा। प्रतिष्ठा जी से मेरा यह सवाल है, अशोक जी ये कह रहे हैं कि हमने भर्ती रद्द करने के लिए नहीं कहा, ये आपके सामने बैठे हैं, इनकी बात अपने सुन रहे हैं, ये अशोक जी की अपने खुद ही बोल रहे हैं, तो विपक्ष को तो आप फिर साइड में कर दीजिए ना प्रतिष्ठा जी, अब आपकी कांग्रेस सरकार जवाब दे इस मैटर पे, इसको रद्द करना कहां तक उचित है, अब 32,000 स्टूडेंट बुला लो, हमारे से हल्फनामा लिखवा लो, हम एग्री हैं लिखने के लिए, हम भी कहीं लिप्त पाए जाते हैं, मृत्यु दंड दे दिया जाए, इससे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सुनिए मेरे भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं आपसे एक बात जानना चाहती हूँ, हालांकि आपने बोला भी है कि इनके कौन कौन से नेताओं ने क्या क्या बयान दिया, क्योंकि आपकी नजर में भी सब कुछ है और पूरे राजस्थान ने देखा है कि कौन कौन क्या क्या बोल रहा है, ये आपने भी देखा है, आज एक पक्ष आप हाथ हटा रहे कि नहीं हमने नहीं कहा, तो ये तो क्या कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो डबल स्टैंडर्ड रखती है हमेशा, और अपने सिलेक्टिव राजनीति। मैम डायरेक्ट आपसे सवाल है, परीक्षार्थियों का आपसे सवाल है, बीजेपी क्या है मैम, आप जवाब दीजिए। मैंने तो अशोक जी को एक मिनट साइड में कर दिया सर, कि बीजेपी कहती है हमने रद्द नहीं करवाई, ये हो गया मैटर क्लोज, ओनली फॉर कांग्रेस से जवाब है मेरा, कांग्रेस से। एक बात बताइए, एक
एक सेकंड मैम, मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने कहा परीक्षा रद्द करो, तो आपने रद्द करी। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि आप कुर्सी से उतर जाओ, आप कुर्सी से उतर जाइए। बीजेपी तो आप पर ये भी दबाव बना रही है कि आप सत्ता छोड़िए, आप छोड़ रहे हैं। मैम ये बहुत, देखिए ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप ये मत कहिए बीजेपी ने दबाव बनाया इसलिए कर दिया, ये छोड़िए। सरकार आपकी है, आप लास्ट डिसीजन मेकर हैं, आपके सिग्नेटरी, आप साइन करते हैं किसी भी फैसले पर। मैम सुनिए मेरी बात ध्यान से, बीजेपी ने नहीं कहा, बीजेपी लगातार आप पर दबाव बना रही है कि सीट छोड़ दीजिए, सत्ता छोड़ दीजिए, आप नहीं छोड़ रहे ना। ये आपसे पूछ रहे हैं मनीष धुरिया साहब, ये आपसे पूछ रहे हैं कि बीजेपी यहां पर बैठे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ सीबीआई जांच की मांग की है, भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की हमने बात नहीं कही। आप ये बताइए, जो कल्प्रिट्स थे उनको पकड़ना था, जो करप्ट थे उनको पकड़ना था, जो लोग लिप्त थे उनको पकड़ना था, लेकिन आपने भर्ती प्रक्रिया को रद्द क्यों किया? ये सवाल है, इसका जवाब दीजिए। पत्रकार महोदय मुझे बताइए कि आप एग्री हैं कि जो जो अशोक जी कह रहे हैं ऐसी ही इनका बयानबाजी थी, ऐसा ही इनका वो था। देखिए भर्ती प्रक्रिया रद्द हुई क्योंकि एसओ जी ने जांच की और एसओ जी ने बहुत सारे लोगों को पकड़ा, लेकिन जब लगा कि ये बड़े लेवल पर चल गया तो एसओ जी ने भी इस चीज को कहा तो कि क्योंकि न्याय सबके साथ करना था, तभी इस मामले को पूरी गहनता से, पूरी संवेदनशीलता से मुख्यमंत्री महोदय ने इसको लिया। और मैडम मैडम ये 300 लोग बड़े हो गए, 16,000 विद्यार्थी बड़े हैं। देखिए एक एक बच्चा बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बिल्कुल एक एक, लेकिन आपने इन बच्चों की कदर नहीं की। बहुत इम्पोर्टेंट है, पूरी कदर है आप लोगों की, तभी तो 65,000। कांग्रेस की पार्टी की तरफ से एक भी प्रवक्ता मुझे मिलने आया क्या? एक एवी होगा आपके पास, एक एवी होगा आपके पास एक लेटर का, ठीक है उसको चलवाते हैं, ठीक है उसको चलवाएंगे। लेकिन मैं उससे पहले एक बात बता देता हूँ आपको, प्रतिष्ठा जी आप भी हमारे साथ हैं और अशोक सिंह शेखावत साहब आप भी हमारे साथ हैं। आप लोग राजनीति करते हैं, आप लोग पॉलिटिक्स में हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं और ये लोग जो हैं साथ में जो हैं ये परीक्षार्थी हैं, छात्र हैं। आप इस चीज़ को समझिए शिखा साहब, आप बातें गोलमोल करना जानते हैं, घुमाना जानते हैं, आप राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स में हैं, हर चीज़ ठीक है। लेकिन सर मैं आपको बस ये मैसेज देना चाहता हूं, कन्वे करना चाहता हूं कि काफ़ी संख्या में लोग हैं वो सच में परेशान हैं। मेरे पास बहुत सारे वीडियोज़ आते हैं, ट्विटर पर ट्रेंड्स चल रहे हैं सर, जहाँ पर ये बच्चे रो रहे हैं, और बहुत हद तक आप इनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो प्लीज़ मेरा निवेदन है आपसे, एंड आई एम प्लीडिंग टू यू कि आप इनकी भी सुनिए, इनकी भी बातों पर ध्यान दीजिए, बातों पर विचार कीजिए कि इनकी जो मांगे हैं उनको आप सुने, क्योंकि आप भी एक मजबूत पक्ष हैं राजस्थान में। प्लीज़ प्रतिष्ठा जी आप भी मेरे साथ हैं। प्रतिष्ठा जी सबसे पहले तो ये कभी जवाब नहीं होता, कभी जवाब नहीं होता कि दरअसल विपक्ष के दबाव में हमने ये कर दिया। आप मतलब इसको मान रही हैं कि आपका ये गलत फैसला है, सिर्फ बीजेपी के दबाव में आपने ये किया है, तो इसका मतलब सिर्फ एक है जो जर्नलिस्टिक लैंग्वेज में हम बोलते हैं कि यू आर वीक गवर्नमेंट, आप एक कमजोर सरकार है। अगर आप विपक्ष के दबाव में काम कर रही हैं तो आप कैसे सरकार चलाएंगी? और दबाव में अगर काम कर रही हैं, आप कह रही हैं इन्होंने बार बार कहा, इन्होंने बार बार कहा, उनके बयान को सुनिए, इनके बयान को सुनिए, तो मैडम राजस्थान के एक नगर अध्यक्ष से लेकर स्टेट प्रेसिडेंट तक रोज बोलते हैं कि आप कुर्सी से उतर जाइए, आप कुर्सी से उतर जाइए, तो मैडम आप नहीं उतरेंगे ना। मैं बहुत प्लीड करके आपसे बोल रहा हूँ कि ये लोग बहुत परेशान हैं, ये हमारे भाई बहन बहुत परेशान हैं, इनकी भी एक बार बात, क्योंकि मैडम खुद कुर्सी पे बैठी हैं, वो कुर्सी प्यारी है, इनको तो नहीं छोड़ेंगी, इनकी बातों को भी सुनिए। और दूसरी चीज ये है प्रतिष्ठा जी, बिल्कुल कार्यक्रम समाप्त करने का वक्त है, एक और चीज बोल देता हूँ प्रतिष्ठा जी आपने बोला कि बहुत हाई लेवल पर लोग इसमें मिले हुए थे, बहुत बड़े लेवल पर नेक्सस चल रहा था, बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है, थोड़ा सा आवाज को कम करिएगा थोड़ा सा, बहुत बड़े लेवल पर धांधली हुई है। तो मैडम मैं आपको बताता हूँ, एक बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर एक घर में कुछ आतंकी छिपे हुए थे जिनको पकड़ा गया, उनका एनकाउंटर किया, और इसके लिए कई महीनों तक ऑपरेशन चलाया गया, कई महीनों तक। उस एक घर को बाटला एरिया में, उस एक घर को चिन्हित किया गया, वहाँ पर फोर्स पहुँची, एनकाउंटर किया गया। मैडम जहाँ पर समस्या है ना वहाँ पर इलाज करने की आवश्यकता है। अगर ऐसे आपकी जो सोच है उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो पूरा जो एरिया था बाटला उसका उसे ही एनकाउंटर कर देना चाहिए था, क्योंकि काफ़ी संख्या में आप कहेंगे कि आतंकी वहाँ पर बड़ी ऑपरेशंस को अंजाम देने वाले थे, तो पूरे एरिया को ही पुलिस को घेर कर सबको मार देना चाहिए था, एनकाउंटर कर देना चाहिए था। ऐसा नहीं है मैडम, जहाँ पर कांग्रेस सरकार दबाव कर रही है, हुआ बुखार है और पेट दर्द की गोली ले लो डेली, बिल्कुल एग्जैक्टली। और अगर आप थोड़ी ना ठीक होगा उससे, और आप अगर ये कह रहे हैं कि करप्शन हुआ, ये हुआ है, वो हुआ है, तो मैडम एक बात याद रखिए,
टू बी वेरी फ्रैंक, अगर आपकी गवर्नमेंट में, आपकी राज्य में, आपकी सरकार में अगर करप्शन हो रहा है, चोरी हो रही है, किसी भी तरीके का कोई क्राइम रेट बढ़ रहा है, घटना बढ़ रही है, तो उसकी जिम्मेदार वहां की सरकार होती है। तो अगर आप कह रही हैं कि करप्शन है, ये सब कुछ है, देन आई एम सेइंग टू यू कि आप इस पूरे करप्शन को कहीं ना कहीं आप ये जस्टिफाई कर रही हैं कि हमारी सरकार में करप्शन हो रहा है, हमारी सरकार में चीटिंग हो रही है, हमारी सरकार में पेपर लीक हो रहा है, हमारी सरकार में सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अपोजिशन का हम पर दबाव है, इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये आज आपने कहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखावत साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रतिष्ठा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, रेखा पारिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल एक बार फिर आपसे मुलाकात करूंगा, फिलहाल के लिए शुक्रिया।